सो हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल टेकोडॉक्स में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षर, रोज की तरह मैं फिर से आपके लिए एक न्यू टेक वीडियो लेके आ चुका हूं यहां पे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ में बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, क्योंकि हम रोज आपके लिए न्यू टेकी वीडियोस लेके आते रहते हैं, चाहे वो फोन्स हो या फिर वो कार्स हो, इनसे रिलेटेड हम वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, ताकि आपसे एक भी टेक से रिलेटेड कोई भी चीज़ छूट ना पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max के बारे में, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी फीचर्स के साथ Redmi ने इन फोन्स को कर दिया है लॉन्च इंडिया में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इस फोन में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक मिड रेंज स्मार्टफोन में 20,000 के बजट में आपको क्या कुछ मिल जाता है। 20,000 नहीं, 19,000 ही समझिए, 19,000 के बजट में आपको क्या कुछ मिल जाता है इस Redmi Note 10 Pro Max में। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, Redmi Note 10 Pro Max में और Note 10 Pro में कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ Redmi Note 10 Pro Max के बारे में कि अगर आप 19,000 रुपये खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको क्या कुछ मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं इसकी कैमरा पे। तो कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, मेन रियर कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि बहुत ही कमाल की बात है इस प्राइस रेंज में आपको मिल जाना। वैसे मेगापिक्सल क्या होता है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको समझा दूंगा। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि 12 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल में डिफरेंसेस होती हैं, क्या डिफरेंसेस होती हैं वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें समझा दूंगा। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं मेन हाईलाइट की इसकी, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और साथ ही साथ उसमें मिल जाता है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको इतना कुछ मिल रहा है। दोस्तों इससे पहले मैंने OnePlus 8 Pro का करा था रिव्यू, जिसमें कि आपको ये डिस्प्ले मिलता था सुपर एमोलेड, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जो कि बहुत ही कमाल था। मगर उसमें आपको कर्व्ड एजेस वाले डिस्प्ले मिल जाते हैं, कर्व्ड डिस्प्ले मिल जाता है, बट इसमें कर्व्ड नहीं है डिस्प्ले। बट अगर कलर रिजोल्यूशंस की बारे में बात करें यहाँ पे, तो वो बहुत ही कमाल की मिल जाती है आपको इस फ़ोन में, तो उसके लिए कोई भी वरी वाली बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है, अगर बैटरी स्टैंड वाइज की बात करें तो बैटरी यहाँ पे आपको 5020 मिली एम्पियर की बैटरी मिल जाती है, जो कि एक कमाल की बात है। दोस्तों मैं एक प्रॉब्लम आती है 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में, वो माइनर सा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसको भी सोच समझ के Redmi ने यहाँ पे कुछ इंप्लीमेंट चेंजेस करे हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या है वो। अगर आप यूज़ करते हो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे डिस्प्ले को, तो वो आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। बट अगर आपका यहाँ पे फ़ोन इनएक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिक 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है, ऐसा इन्होंने कुछ फीचर इंस्टॉल करके इसमें दिया है। और जब आप यूज़ करते हो फ़ोन को, तब वो ऑटोमेटिक 60 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाता है, जो कि बहुत कमाल की बात है। यहाँ पे आपका बैटरी ड्रेन उतना नहीं होता है जितना कि OnePlus 8 Pro में होता था। अब बात कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे डिज़ाइन में उन्होंने एक मेजर चेंजेस करा है। मैं बता दूँ आपको कि इस डिज़ाइन में अभी तक मैंने कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करा, बट ये फ़ोन बहुत ही कमाल का है। अभी फ़ोन तो मेरे पास फ़िलहाल आया नहीं है दोस्तों, बट बहुत जल्द ही आ जाएगा, और जब आएगा तो मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऑन हैंड से ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है सामने में। अभी लॉन्च हुआ है, और लॉन्च होने के बाद जो भी स्पेसिफिकेशन है इसकी, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप 20,000 रुपया खर्च करना चाहते हो किसी फ़ोन के ऊपर, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा कि आप इस फ़ोन को जाकर बाई करो। बहुत ही कमाल का फ़ोन है, आपको एक न्यू एक्सपीरियंस का यहाँ पे फीचर मिल जाएगा। बैक कैमरे के सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास बातें और है। इसका नाइट मोड बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 4K वीडियो 30fps पर सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है मेन रियर कैमरे की बात अगर करें तो। और साथ ही साथ अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में पंच होल वाला कैमरा आपको मिल जाता है 16 का, जो कि बहुत एक कमाल की सेल्फीज लेता है, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप करता हूँ कि आपको ये Note 10 Pro Max बहुत ही पसंद आया होगा। अगर प्रोसेसर की बात करें यहाँ पे, तो 732 प्रोसेसर मिल गया। अब लालच इतना अगर Redmi हमें दे रहा है तो और भी लालच वाली बात आएगी।
हमने एक्सपेक्ट करा था कि अगर ये 732 दे रहा है तो इसकी जगह पे कहीं ना कहीं 730G अगर प्रोसेसर ये दे देता हमें तो हमें यहाँ पे 5G का भी सपोर्ट मिल जाता है। बट अफसोस उन्होंने 730G नहीं दिया प्रोसेसर। तो यहाँ पे फ़ोन आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज़ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ पे 5G का सपोर्ट इस फ़ोन में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पे 732 है स्नैपड्रैगन का, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे इन्होंने 730G प्रोसेसर दिया होता तो क्या सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन हो जाता है। फिर तो डेफिनेटली मैं बोलता कि आप बाई ही कर लो। बट अभी फ़िलहाल इंडिया में बस 5G के रूमर्स ही चल रहे हैं, लॉन्च कब होगा कन्फर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो पहले ही हो गई मरने से पहले भूत वाली बात। यहाँ पे 4G से ही चल नहीं रहा और बात 5G की हो रही है। तो अगर आप उतना मैटर नहीं करते हो, नॉर्मल सा आपको फ़ोन लेना है, 5-6 महीने यूज़ करना है, साल यूज़ करना है, 2 साल यूज़ करना है, मैं फिर भी रेकमेंड करूँगा कि आप इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेस कर लो, क्योंकि अभी 5G की यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बस हाँ लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होगा ऐसा अभी कुछ कंफर्म नहीं करा गया है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में बताऊँगा कि Redmi Note 10 Pro Max और Note 10 Pro में क्या डिफरेंसेस है, क्यों प्राइस यहाँ पे वरी कर जाती है। तो एक माइनर सा डिफरेंस जहाँ तक मुझे समझ में आया यही है दोस्तों कि Redmi Note 10 Pro Max में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बट यहाँ पे Redmi Note 10 Pro की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस मुझे तो कुछ नहीं दिखा। बट अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो 1-2 हज़ार और खर्च करके Redmi Note 10 Pro Max के लिए जा सकते हो, बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगी आपको उसमें। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट कार्स रिलेटेड वीडियोज़ में है तो मैं कार्स की भी वीडियोज़ बनाता हूँ, लेटेस्ट जनरेशन की कार्स जो आ रही हैं क्या कुछ उसमें मिलता है, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।